अपने ग्रे हेयर को छुपाना है इंस्टेंटली, तो आज आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा मैं लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है और 5 मिनट्स में आप इंस्टेंटली अपने हेयर को कलर कर सकते हैं। ना उसमें आपको मेहंदी लगाना है, ना आपको हेयर डाई लगाना है और ना ही आपको मार्केट वाला कोई भी कलर यूज करना है, और बहुत ही नेचुरल है। किचन इंग्रीडियंट से हम आज ऐसा कलर बनाने वाले हैं जो इंस्टेंटली हम अपने हेयर में लगा सकते हैं और कहीं पर भी इजीली बाहर जा सकते हैं और बहुत ही सेफ है, वाटरप्रूफ है। तो इसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ऑरा ब्यूटी केयर में रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज मिलेंगे विद अफर्मेशन। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है ऑनियन। तो ऑनियन सबको पसंद होता है खाने में, लेकिन हमें उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता है। और आपको पता ही है कि हेयर के लिए ऑनियन कितना बेनिफिशियल है। ऑनियन के अंदर जो सल्फर है वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रहता है। तो आज हम यहाँ पे ये ऑनियन के छिलके जो रहते हैं जिसको हम फेंक देते हैं, तो उसका हम यूज करके हम यहाँ पे इंस्टेंट हेयर कलर बनाने वाले हैं। और ये जो छिलके हैं हम फेंक देते हैं और इसका कोई यूसेज नहीं होता है, तो उसी में से ही हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपेंस बोलो तो जीरो होने वाला है। यहाँ पे आपको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना है और इंस्टेंट आप अपना हेयर डाई बना सकते हो और एनी टाइम आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हम लोग जब भी मार्केट से ऑनियन लेके आते हैं तो उसके अंदर जो ऊपर के लेयर के जो छिलके रहते हैं ना, जिसको हम फेंक देते हैं, तो उस छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, उसको संभाल के रखना है। तो यहाँ पे थोड़े से छिलके मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखे थे, तो उसको मैंने लिया हुआ है। अब इस छिलकों को हमें यहाँ पे कोई भी आयरन वाली कढ़ाई हो, अगर आयरन वाली नहीं है तो आप नॉर्मल वाली कढ़ाई यूज कर सकते हो, लेकिन आप अगर आयरन वाली है तो उसको ज्यादा प्रेफर करिए। तो यहाँ पे मैंने जो ऑनियन के छिलके थे उसको मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है। अभी इसको हमें धीमी आंच पे हमें इसको शेकना है, गर्म करना है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ना, इसमें से धुआं निकलता जाएगा और ये एक कलर पकड़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये डार्क होता जा रहा है। पहले ये ब्राउन हुआ, फिर उसके बाद कुछ जो छिलके हैं वो ब्लैक होते जा रहे हैं। तो इसको बीच बीच में हमें कंटिन्यूस चलाना है। तो अराउंड ये 10 से 15 मिनट्स का ये प्रोसीजर है। तो एक बार आप बहुत सारे छिलके इकट्ठा करके कर लीजिए, फिर आपको ये इसको डिब्बा भर के आप आराम से इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख लीजिए, पूरे जो छिलके हैं वो एकदम काले हो चुके हैं, कुछ कुछ हैं तो वो उसका पाउडर भी जैसा हो चुका है। तो अभी इसको हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ जाने देंगे। रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद फिर यहाँ पे हमें इसको मिक्सी में क्रश कर लेना है, क्योंकि हमें इसका पाउडर चाहिए। तो ये हमारा पाउडर रेडी हो चुका है। अभी ये जो पाउडर है ना, इसको हमें एज ए हेयर डाई, एज ए हेयर कलर हमें इसको अप्लाई कैसे करेंगे अपने हेयर में? तो यहाँ पे चाहो तो इसको ड्राई भी ऐसे लगा सकते हो, लेकिन बारिश के सीजन में क्या होता है, अगर सिर पे पानी गया तो फिर वो काला काला पूरा हमारा निकलता है और उससे क्या होगा कि हमारे कपड़े वगैरह भी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम सेफ साइड में देखें तो पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हम यहाँ पे वैसलीन ऐड करेंगे। तो अराउंड मैंने 1/4 स्पून वैसलीन लिया हुआ है। अभी इसके अंदर 1 स्पून अराउंड ये हमने जो कलर बनाया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब देखो कितना लग रहा है, एकदम इंस्टेंट कलर हमारा दिख रहा है ना, एकदम ब्लैक। और फिर इसको मैं अभी अपने हाथ पे लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देखिए कि कैसा लग रहा है। और ये एकदम काला काला हो गया था, मतलब अब देखो, और इसके अंदर मैं पानी भी डाल रही हूँ तो ये वाटर प्रूफ है, पानी इसके अंदर जाएगा तो भी ये निकलेगा नहीं। तो आपको अगर कहीं जाना है, इंस्टेंटली आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर में, ऑयली हेयर में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके जो आगे के हेयर, अगर जो रूट्स वाले हेयर है जो आपके व्हाइट हो चुके हैं, तो उसको इंस्टेंटली आपको ब्लैक कलर करना है, तो आप ये इजीली इससे आप अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर में। अगर आप चाहो तो इसको एलोवेरा के साथ भी आप मिक्स करके लगा सकते हो, तो एलोवेरा जेल के अंदर आप इसको मिक्स कर लीजिए और फिर उसको अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर में। जो फंक्शन वगैरह है कंप्लीट हो गया है, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आने के बाद फिर आप चाहो तो हेयर वॉश कर सकते हो। तो ये हेयर वॉश करने के बाद ये इजिली निकल जाता है आपके हेयर से।
तो आपको एक इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए ये बेस्ट आइडिया है। बाकी इसका दूसरा मैं यूसेज बता दूं, आप मेहंदी डालते हो बालों में तो मेहंदी जब डालो ना तब ये जो पाउडर है ये आप 2 स्पून पाउडर अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से डाल दीजिए। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो ये ऑनियन है तो ऑनियन वाला है और इसकी फ्रेग्रेंस तो कुछ है ही नहीं तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये जो पाउडर है मेहंदी के साथ डालोगे तो उससे मेहंदी का कलर डार्क आएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये जो मेहंदी का कलर है ना जो जल्दी निकल जाता है तो उसको पकड़ के रखता है हमारे हेयर में तो वो इजीली निकलने नहीं देता है, तो ये उसमें बेनिफिट करता है। साथ में ये ऑनियन है तो इसके साथ जो इसकी हेयर ग्रोथ की हेयर फॉल की जो प्रॉपर्टीज है उसके हमें बेनिफिट मिलेंगे। साथ में ये जो आप मेहंदी अप्लाई करोगे और उसके साथ इसको एड करके आप मेहंदी अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही अलग अलग बेनिफिट मिल जाएंगे इसके। तो ये पाउडर बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप वैसलीन के साथ अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो अगर आप मेहंदी में भी ऐड करोगे ना तो भी इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। और आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।